मुझे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं लोगों के, तो लेट मी सी इफ आई कैन सी फ्यू क्वेश्चंस. यस, सारा का क्वेश्चन है. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. माय पीएचडी टाइटल फिजिकल केमिस्ट्री. बट अच्छा सारा, देखो ऐसे नहीं होता, पीएचडी का टाइटल फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होता. पीएचडी का टाइटल ना कुछ कोई टॉपिक होगा ना, वो डायरेक्टली नहीं आप उसको कह सकते कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री इसका टाइटल है. उसके अंदर कुछ होगा ना, कोई फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टाइटल होगा. और आपने आगे लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमारा बैकग्राउंड इनऑर्गेनिक है, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, ये कभी भी नहीं होता कि आपका पीएचडी का थीसिस का टाइटल फिजिकल केमिस्ट्री है और आपका बैकग्राउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपकी रिसर्च या एक्सपर्टी होती है, लेट्स से आई एम हैविंग सम एक्सपर्टी होती है आपकी, लेट्स से कि आपने किस में स्पेशलाइजेशन की है. ओके, डिग्री का नाम नहीं होता. मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि डिग्री का नाम कभी भी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होता. आपकी डिग्री का टाइटल वो है जो आपकी डिग्री का टाइटल वो है जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन है. अगर आपका एडमिशन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, लेट्स से केमिस्ट्री है और डिग्री का नाम भी केमिस्ट्री है, एमफिल या एमएससी केमिस्ट्री है, तो आप एमएससी एमफिल केमिस्ट्री कहलाएंगे, आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहलाएंगे. ठीक है, वो आपकी स्पेशलाइजेशन है. ऐसी आपकी पीएचडी की डिग्री का टाइटल अगर एड्सॉर्प्शन है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, तो आपकी पीएचडी फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं कहलाएगी, पीएचडी स्टिल केमिस्ट्री में कहलाएगी जब तक उस डिपार्टमेंट का टाइटल फिजिकल केमिस्ट्री ना हो. आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में या इनमें से किसी में होगी, आपकी डिग्री का टाइटल नहीं होता. तो प्लीज़ इसका ना ध्यान रखें. मैंने क्योंकि लास्ट टाइम ये बात की थी तो मेरी कोशिश होती है मैं बहुत सी चीज़ें रिपीट ना करूँ, बट ऑफ कोर्स समटाइम आई हैव टू डू दैट. ठीक है, तो